अलवर राजस्थान के बोलनी गांव में हजारों लोगों का ये सैलाब पहुंचा है। राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी की एक झलक पाने को और उनसे आशीर्वाद लेने को मौका था। स्वर्गीय श्री गणेशी लाल गुप्ता एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती नारायणी देवी प्रतिमा अनावरण समारोह का भारत स्वाभिमान के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री तिजारावाला जी के अनुरोध पर युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी महाराज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। जैसे ही स्वामी जी हेलीकॉप्टर से बोलनी गांव पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत बैंड बाजे के साथ फूल माला पहना कर किया। हजारों लोग स्वामी जी को अपने बीच पाकर अपने आप को धन्य समझ रहे थे। लोगों के उत्साह का कोई ठिकाना ही न था। प्रेरणा से प्रण, प्रण से प्रयास, बोलनी गांव का होगा सर्वांगीण विकास, बाबा के सपनों का आदर्श गांव। इसी उच्च विचार के साथ पूरा बोलनी गांव स्वामी जी के पीछे पीछे चल रहा था। स्वामी रामदेव जी ने अपने कर कमलों द्वारा स्वर्गीय श्री गणेशी लाल गुप्ता एवं धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती नारायण देवी की प्रतिमा का अनावरण किया व प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर महान आत्माओं को याद किया और साथ ही श्रीमती कृष्णा देवी स्मृति बाल वाटिका का भी उद्घाटन किया।
तत्पश्चात स्वामी जी महाराज चल दिए जनसभा स्थल की ओर, जहां पहुंचने पर स्वामी जी का लोगों ने जोरदार अभिवादन किया। इसके बाद मंच पर गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन किया व स्वामी जी को फूलमाला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। आइए अब देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य मुख्य अंश। आज बहुत ही खुशी की बात है कि इस पोलनी ग्राम के अंदर हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं। योग गुरु, विश्व प्रसिद्ध योग गुरु महाराज जी रामदेव जी, श्री रामदास अग्रवाल जी और अन्य अतिथि यहां पर पधारे हैं। मैं सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत श्री एस के गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी श्री सरोज गुप्ता से, श्रीमती सरोज गुप्ता से निवेदन करता हूं कि महाराज श्री को माला पहनाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्रीमती रेखा गुप्ता और सीएल गुप्ता जी भी आ जाएं, महाराज जी से आशीर्वाद लें। श्री महेश गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि श्री रामदास अग्रवाल जी का माला पहनाकर स्वागत करें। श्रीमती चंद्रकला सरपंच जी से निवेदन है, जो गांव के सरपंच है वो महाराज जी का स्वागत करें। आदरणीय जगन्नाथ गुप्ता जी भी महाराज जी का स्वागत करें, तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री एस के गुप्ता जी से निवेदन है और के एम गुप्ता जी की कप्तान सिंह जी सोलंकी जी का अभिनंदन करें। चाहता हूं कि आज जिस शख्सियत का आप मूर्ति अनावरण करने आ रहे हैं वो एक ऐसे महान पुरुष थे अलवर जिले के, जो खाली राजनीति में नहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक पवित्र आत्मा थी और ग्रस्त में रहकर उन्होंने कमल फूल के समान अपना ग्रस्त जीवन निर्वाह किया। पूरे दिन राजनीति में रहकर भगवान का भजन करते थे और कोई भी अतिथि उनके घर पर आया है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उन्होंने कभी अपने स्थान से उनको बगैर भोजन के नहीं जाना दिया है। मैं महाराज जी आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आदरणीय गणेश लाल जी गुप्ता एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने कभी गरीबी और अमीरी के लोगों में भेदभाव नहीं सोचा। जितनी मदद वो करते थे, जितनी वो हेल्प करते थे लोगों की, और आज उसी का प्रभाव है कि अलवर जिले में उनसे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता कोई नहीं था। आज अलवर के अंदर है ये सब उनके शिष्य थे, बच्चे थे, चाहे वो कांग्रेस में रहे या चाहे किसी अन्य दल में रहे, उन्होंने बहुत ईमानदारी और अनूठा से कार्यक्रम किया। आज उन गणेशी लाल जी गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी की आपने मूर्ति अनावरण माने रामदास जी ने आपने की है, आज उन परमात्मा को हम सत सत नमन करते हैं, सत सत प्रणाम करते हैं। मैं उनके पुत्र श्री एस के गुप्ता जी, जो उसके कार्यक्रम के संयोजक हैं,
जिनके मन में ईश्वर की कृपा से एक कल्पना हुआ, एक संकल्प पैदा हुआ और उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सजाया। ईश्वर की कृपा से आप भी आज पधारे, रामदास जी पधारे, सोलंकी जी पधारे, विजय शर्मा जी पधारे, हमारे चारों विधायक जसवंत सिंह जी, राम मेह जी और अपने तिजारा के विधायक और देश विदेश के वैश्य समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर पधारे हैं। 400 गांवों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, सर धर्म के, सब जाति के, सब लोग यहाँ पर आए हैं। मैं अपनी ओर से और गणेश लाल फाउंडेशन की ओर से आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं सर्वप्रथम श्री एस के गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि सूक्ष्म में अपना स्वागत भाषण करें। श्री एस के गुप्ता जी ने जो पूरा कार्यक्रम, उनकी धर्मपत्नी सरोज गुप्ता ने बहुत सहयोग किया 6 महीने से गांव में, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। स्वागत है श्री एस के गुप्ता जी। आदरणीय परम योग गुरु बाबा रामदेव जी, रामदास अग्रवाल जी, पूर्व सांसद एंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संस्थापक अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन, कप्तान सिंह जी, सांसद एवं प्रभारी भाजपा विजय शर्मा जी और समस्त MLA और अशोक डाटा जी, ग्रामवासियों, मैं गणेशीलाल फाउंडेशन की ओर से आए हुए समस्त गेस्टों का, बाहर से आए और गांववासियों का स्वागत करता हूं। आज हमारे परिवार के लिए बहुत यादगार और ऐतिहासिक दिन है कि पूजनीय महाराज जी और रामदास अग्रवाल जी और कप्तान सिंह जी ने हमारे माता पिता की मूर्ति का अनावरण किया। अनन्य भक्त थे वो, हमेशा उनके आदर्शों पर चलते और हमको भी यही शिक्षा देते थे कि आप भी इनके अनुयायी बने, उनके अनुसार काम करें। मैं बाबा जी से एक निवेदन करता हूं कि हम अपने गांव को आपके सपनों का गांव बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे गांव वाले यहां पर भूमि एवं बिल्डिंग बनाकर, मशीन लगाकर आपके किसी भी उत्पाद का उत्पादन कर सकते हैं। आपसे निवेदन है, यहां पर का पानी बहुत अच्छा है, आप अपने प्रोडक्ट पतंजलि प्रोडक्ट का पानी पैकेजिंग का प्लांट लगा सकते हैं और आजकल तले हुए की जगह भुने हुए नमकीन का काफी प्रचलन है। आप चाहें तो हमारे गांव वाले, यहाँ पर महिलाओं को रोजगार मिलेगा, वो दाल चावल और विभिन्न तरह की नमकीनें बना सकती हैं। तो मैं बाबा जी से निवेदन करूंगा कि वो इस पर ध्यान दें, जैसे कि गांव के लोगों को रोजगार मिले, ये शहर की तरफ नहीं जाएं। और मैं समस्त आए हुए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। हमारे अखिल भारतीय महावैश्य समाज के अध्यक्ष श्री KM गुप्ता जी से निवेदन है कि 2 मिनट में सबका अभिनंदन करें। श्री KM गुप्ता जी। परम श्रद्धेय योग ऋषि बाबा रामदेव जी, राजस्थान भाजपा के प्रभारी एवं सांसद आदरणीय कप्तान सिंह जी, दिल्ली प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी एवं सम्मानित मंच, आज हम सब ग्रामवासी, बोलनी निवासी अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं कि आज इस जमीन पर ऐसे संत का पैर पड़ा है जिसने पूरा जीवन भारतीय और भारतीयता के लिए लगा दिया। एक बार जोरदार नारों से हम बाबा रामदेव जी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं और सभी ग्रामवासियों का जिन्होंने आज कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति, एक फाउंडेशन के द्वारा सफल नहीं होता, इसमें पूरे ग्रामवासियों का सहयोग था। ग्रामवासियों ने तन मन धन से इस कार्यक्रम और इस आयोजन में अपना सहयोग किया। मैं पूरे ग्रामवासियों की तरफ से बाबा का और आए हुए सभी मेहमानों का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बाबूलाल डाटा जी भी यहाँ पधारे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिलाध्यक्ष पतंजलि योगपीठ बृजमोहन पाठक जी से निवेदन है कि कृपया वो मंच पर आ जाएं। अब मैं श्री कप्तान सोलंकी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, राजस्थान के सांसद हैं, वो आए और अपने सूक्ष्म में विचार रखे। जोरदार तालियों से सोलंकी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। परम आदरणीय विश्वविख्यात योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, हम सबके बीच में राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं में से एक, 3 बार जो राज्यसभा के सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष रहे, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, ऐसे पूर्व सांसद माननीय रामदास अग्रवाल जी, दिल्ली प्रदेश के महामंत्री संगठन
श्री विजय शर्मा जी, बड़ी संख्या में यहाँ पर विधायक उपस्थित हैं। मैं दो के नाम लेता हूँ, श्री रामेश यादव जी, जसवंत यादव जी। दो नाम लेना बहुत जरूरी है, जो श्रद्धेय श्री गणेशी लाल जी के गुप्ता के सुपुत्र हैं, श्री एस के गुप्ता और श्री के एम गुप्ता। एक तो ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पर संत और समाज दोनों इकट्ठे हैं, और हमारे देश की जो शक्ति है वो संत और समाज के अंदर ही है। ये लोकतंत्र की देन है कि राजनीति की चर्चा ज्यादा होती है, राजनेताओं की चर्चा ज्यादा होती है, लेकिन देश को सशक्त और मजबूत राजनीति नहीं बनाती, राजनेता नहीं बनाते, समाज और संत बनाते हैं। और इसलिए इन दोनों का समागम, समाज का और संत का, ये देख करके इस बात को संकेत करता है कि कार्यक्रम कितना गौरवपूर्ण और कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि गांव बोलनी बहुत छोटा है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। आप देखिए, मेरा एस के गुप्ता जी से और एम के गुप्ता जी से परिचय नहीं है, यहीं पर आकर के मेरा उनसे परिचय हुआ है, लेकिन आपका गांव छोटा होने के बाद भी इतना महत्वपूर्ण है कि व्यस्तता के बाद भी इतने सब अतिथि के रूप में और खासकर स्वामी जी हम सब के बीच में आ गए, और मैं भी और अन्य कार्यक्रम छोड़ करके बरबस यहाँ पर आकर के उपस्थित हुआ। और इसलिए यद्यपि ये गांव छोटा है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। अभी अभी एस के गुप्ता जी कह रहे थे कि ये गांव स्वामी जी अपने गोद में ले लें, अपने प्रभाव में ले लें, अपने काम में ले लें। मैं सिर्फ इस गांव की बात नहीं करता, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन स्वामी जी को तो पूरे देश को, गांव को गोद में लेने की जरूरत है, क्योंकि इस देश के अंदर जो मूल्यों का ह्रास हुआ है, जिस बात के लिए देश जाना जाता है, जिस संस्कृति और संस्कार के लिए जाना जाता है, ये देश आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। यहाँ की पहचान पूरे विश्व के देशों में आध्यात्मिकता की है, और इसलिए आध्यात्मिकता का संदेश देश के लिए बहुत जरूरी है। देश की स्वतंत्रता के 66 वर्ष के बाद भी जो देश में कमियां हैं, हम सब निराश हैं, उसका कारण यह है कि देश की जो मूल पहचान थी आध्यात्मिकता की, नैतिकता की, संस्कारों की, भारतीय संस्कृति की, त्याग की, समर्पण की, उसका ह्रास हुआ है। एक बात मैं और कह दूं कि विश्व के अंदर जितने देश हैं, जितने राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के जन्मदाता कोई ना कोई राजा है, कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति है। पूरे के विश्व के अंदर भारत ही एक ऐसा देश है कि इस राष्ट्र का जन्मदाता कोई राजा नहीं है, इस राष्ट्र का जन्म संतों ने दिया है, संतों ने तपस्या करके यहाँ पर इस राष्ट्र को जन्म दिया है, और इस राष्ट्र के अंदर एक विशेष जीवन पद्धति निर्माण की है, और उस जीवन पद्धति की रक्षा करने के लिए विश्व में फिर कोई ऐसा देश नहीं है, या भगवान ने खुद जाकर के अवतार लिया हो। भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक बार नहीं, दोनों बार भगवान ने आकर के अवतार लिया है, और इसलिए इतना बड़ा संदेश ये आज कार्यक्रम दे रहा है। स्वर्गीय गणेश जी गुप्ता के बारे में मैंने सुना कि वो छोटे से गांव में थे, लेकिन बहुत बड़े थे, उनकी महिमा बहुत बड़ी थी। मुझे बताया कि 1938 में महावर समाज के संगठन की स्थापना सबसे पहले उन्होंने ही की, और वो संस्थापक अध्यक्ष हैं उसके, और उनके लड़के इतने सुपुत्र हैं कि बहुत अच्छे स्थानों पर हैं, समाज के लिए समर्पित हैं, जहां भी रह रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस गांव के लिए, एक गांव के पुत्र होने के कारण पिताजी की स्मृति में इतनी सारी बातें वो कर रहे हैं, ये समाज के लिए भी अनुकरणीय है और हम सब के लिए भी वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सबको धन्यवाद और इस योजना के लिए बधाई देते हुए स्वामी रामदेव के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी जी। अब मैं दो मिनट के लिए, हमारे तीन विधायक आए हुए हैं, सर्वप्रथम जसवंत सिंह जी यादव से निवेदन है कि आए और 2 मिनट में माने महाराज जी श्री का और नेताओं का स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम के ख्याति प्राप्त देश विदेश हमारे दिल में हृदय में सबके चहेते मुख्य अतिथि सम्माननीय स्वामी रामदेव जी, और जो हमारे प्रदेश के प्रभारी है सम्माननीय कप्तान सिंह सोलंकी जी, आप जन जन के प्रिय जिले से हर दिल से जुड़े हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद सम्माननीय वैश्य समाज के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अग्रवाल जी, रहस्य साहब और मंच पर
विराजमान सब मेरे भाई यहाँ के आपके लाडले अति लोकप्रिय विधायक भाई रामेश जी, मामन जी, आए हुए सभी अतिथिगण, इस संस्थान से जुड़े हुए सभी नेता और उनके गणेशी लाल जी के सपुत्र, पूरा परिवार, पूजा के उपतातुल्य मेरे अपने बुजुर्गों, पूजनीय मेरी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और मीडिया के बंधुओं, मुझे तो आनंद आ रहा है कि स्वामी रामदेव जी का आज यहां स्वागत करने का, इस गांव के अंदर आने का जो सौभाग्य मिला है। एक तो एक गांव जिसके अंदर स्वामी रामदेव जी के चरण टिके हैं, आप सब धन्य हो गए और हम स्वागत करके धन्य हो गए। हमने प्रभु को देखा तो नहीं, पर साक्षात रूप में भगवान का ही काम कर रहे हैं इस कलयुग के अंदर। ये तो भाई है, इसके तो कह रहा है गांव ने गोद ले लो। स्वामी जी ने वाकई में सोलंकी जी ने कहा, जो इन्होंने तो देश गोद ले रखा है, स्वामी जी हम आपके गण हैं, आपका जो सपना देश के अंदर है उस सपने को हम साकार करेंगे। आपका एक ही सपना है कि मैं देश को प्रधानमंत्री मोदी बन जाए, ये हम कराएंगा आपका सपना। और वाकई में आप भगवान के रूप हो, आपकी प्रेरणा है। भाई सुबह सुबह जो जिसके दर्शन कर ले भगवान होता है, जब टीवी खोलो तो स्वामी रामदेव जी के दर्शन होते हैं, सारा दिन बड़े आराम से निकलता है। जो देश का एक सपना था निरोग लोग हो जाए, वो स्वामी जी ने पूरा किया। बार बार अलवर जिले के अंदर इस धरा पर आपके पधारने का स्वामी जी हृदय से दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और पूरे अलवर जिले को, इस गांव को गोद ले लो और साथ में मुने भी ले लेना। राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मामन यादव जी, विधायक बिजारा, आए दो मिनट में महाराज जी का स्वागत करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय जगत गुरु, पूरे संसार के हृदय सम्राट, आज वर्तमान भगवान के तुल्य परम श्रद्धेय बाबा रामदेव जी महाराज, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, राजस्थान के प्रभारी, राष्ट्रीय नेता, परम पूजनीय कप्तान सिंह जी, वे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अग्रवाल जी, मेरे आदरणीय विधायक डॉक्टर जसवंत जी, भाई रामेश सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारी व नेतागण मंच के सामने पधारे, पूजनीय परम पूजनीय बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, आज तिजारा और किशनगढ़ दोनों की सीमा पर मैं तिजारा से नवनिर्वाचित ईश्वर की कृपा, महाराज जी के आशीर्वाद से और आप जनता जनार्दन के पूरे सहयोग और आशीर्वाद से मास्टर मामन सिंह यादव तिजारा से विधायक चुना गया हूं। मैं पूरी तिजारा विधानसभा क्षेत्र की जनता और अपनी ओर से भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार बाबा रामदेव जी महाराज का हृदय से नमन करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। और मेरे आदरणीय सोलंकी जी, हमारे प्रभारी, हमारे पूजनीय राष्ट्रीय नेता, उनका हार्दिक अभिनंदन, उनके चरणों में मेरा नमन। और महाराज जी से, मेरे भगवान से, मैं नया आदमी हूं, राजनीति में पहली बार आया हूं, पहले शिक्षक रहा था। वैसे तो महाराज जी का मेरे ऊपर पूर्व से ही, टिकट मिलने से पहले से ही आशीर्वाद रहा है। मैं आश्रम में काफी बार इनके सेवा में, चरणों में हाजिर होता रहा हूं और इनके आशीर्वाद से ही सारी कृपा हुई है। फिर भी मैं आपसे विनम्र, मेरी विनती है आपके चरणों में मेरे जैसे आदमी पर आशीर्वाद बनाए रखे और मुझे आशीर्वाद दे। आपकी के आशीर्वाद से ही मैं जनता की इच्छा की सेवा कर सकूं और जनता के बीच में रह करके आपके चरणों में
सेवक बनकर रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय गौ माता। श्री राम महेश जी यादव विधायक, हमारे राष्ट्रीय गौरव श्रद्धे रामदेव जी के चरणों को नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय सोलंकी साहब, आदरणीय रामदास जी, आदरणीय डॉक्टर जसवंत जी, आदरणीय जयराम जाटव जी, मामन सिंह जी, आदरणीय के एम गुप्ता जी, मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में मुझे ये सौभाग्य मिला कि ऐसे संत का, राष्ट्रीय संत का चरण पड़े, हम सबको आशीर्वाद मिला। मैं तो इस अवसर पर आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। विधायक होने के नाते आदरणीय महाराज जी का, सब नेताओं का और आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय महाराज जी का और सब नेताओं का, हम सब पर आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं इसकी कड़ी को छोटी करते हुए, अब मैं श्री रामदास अग्रवाल जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए, उनके राजस्थान के लोगों को परिचय की जरूरत नहीं है। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि आज बोलनी गांव के इस छोटे से स्थान पर दो बातें हैं। आप इतनी संख्या में आए और स्वामी जी का पदार्पण आपके गांव में, जो एक असंभव काम था, वो संभव हुआ, इसलिए कि गणेशी लाल जी के, उनकी मूर्ति के अनावरण के लिए वो यहाँ पर पधारे हैं। मैं उनको केवल संस्कृत में जो शब्द है वो कहकर, गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मई श्री गुरुवे नमः। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि स्वर्गीय गणेश लाल जी जो इस प्रकार के स्वभाव के थे, संत स्वभाव के थे, आज उनकी मूर्ति का अनावरण भी न केवल देश के, विदेशों के, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रसिद्ध, और मैं अब उनको योग ऋषि नहीं कहता, मैं अब उनको ब्रह्म ऋषि के रूप में उनको देख रहा हूं। और ब्रह्म ऋषि आप बन जाएं, ये हमारी सबकी कामना है और हमारी प्रार्थना है भगवान से। एक बार जरा जोर से भारत माता की जय का नारा लगाएंगे आप सब लोग, बड़ा जोर से हाथ खड़े करके करेंगे ना, भारत माता की, भारत माता की, वंदे स्वामी रामदेव जी की। धन्यवाद। महाराज जी का आशीर्वाद सुनेंगे, उससे पहले महाराज जी, श्री एस के गुप्ता जी ने पतंजलि ट्रस्ट के लिए फाउंडर मेंबर बनने की इच्छा जाहिर की है और 5 लाख रुपए जो फाउंडर मेंबर का है वो आपके मेंबर बन रहे हैं। जोरदार ताली से स्वागत करें और आपसे निवेदन की माला पहनाकर इनको और इनकी धर्मपत्नी को आशीर्वाद दें। आज इस पूरे कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत श्री एस के गुप्ता जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके भाई, उनका पूरा परिवार, उनके सभी रिश्तेदार। एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा करके, बीड़ी बाड़ी भी छूट जाएगी अपने आप ही, है ना, गणाना अगरबत्ती जरा रखी थी। तो दोनों हाथ उठा के बोले, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, वंदे वंदे। बोलनी गांव को नाम जब पहली बार सुनो तो मन कहा भाई बोलनी में तो सब बोलता ही मिलेंगे। जब तक हेलीकॉप्टर में तो उतरे और उठे वो स्वर्गीय गणेशी लाल जी की, माता जी की मूर्ति को अनावरण करो और आयो तो सारो गांव बोलतो ही बोलतो मिलो। तो बोलनी गांव का सब पिता तुल्य बुजुर्गों को, श्रद्धामयी माताओं को और जिनको अपने हाथों से स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान परम वैभवशाली भारत का निर्माण करना है, ऐसे जवानों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका मैं भी स्वागत करता हूं। भाई ये बहुत अच्छी धरती है। मेरा भाई बोल रहा था एस के गुप्ता, स्वामी जी अठा को पानी बहुत अच्छा है।
पानी यहाँ का बहुत अच्छा, मिट्टी बहुत अच्छी है, आप सब बहुत अच्छे हो और इसीलिए सब अच्छे अच्छे महापुरुष यहाँ पर आए। हमारे आदरणीय श्री कप्तान सिंह सोलंकी जी बोल रहे थे, भाई मैं तो गांव से बहुत ज्यादा परिचित नहीं था, लेकिन देखो इस गांव के पुण्य इतने हैं कि आदरणीय श्री आदरण सोलंकी साहब और वैश्य समाज के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रामदास जी, हमारे विजय जी दिल्ली से और सारे हमारे विधायक, माने भाई अलवर जिला की पूरी क्रीम, माने सारे मौजूद आदमी अठे बैठे, सबका अभिनंदन कर दो एक बार तालियों से। और ये तो एक औपचारिकता है, कुछ नीचे बैठा कुछ ऊपर बैठा, भाई धरती तो भगवान की बराबर ही है, इसमें कोई ऊपर नीचे बैठने का फर्क नहीं। और यहां हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, मुस्लिम भाई सब बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे, पूरे देश भर में पूरी दुनिया में घुमा, जमींदार के घर में पैदा हुए भाई हम भी, घर में झाड़ू भाड़ी से लेकर के गाय भैंस ऊंट चराने से लेकर खेती बाड़ी सारी कर रखी अपने हाथों से। मैं एक बात देखता हूं, मैं देखो जिंदगी में आगे आदमी बढ़ेगा तो मेहनत से बढ़ेगा। आप सब गांव के लोग कितनी मेहनत करते हो, और आपकी मेहनत आपके खेतों में दिख रही है। बहुत दिनों के बाद इतनी बढ़िया सरसों देखी और चारों तरफ इतनी खूबसूरत ये आबो हवा आपके खेतों में लहराती हुई खेती, भाई इससे देश बनेगा। देश में आज जितनी खेती होती है, पानी की व्यवस्था ठीक हो जाए, बिजली ठीक ठाक मिल जाए, इससे चार गुना खेती हो सकती है। किसान आगे बढ़ेगा तीन कामों से, एक तो बढ़िया खेती हो, खेती के लिए पानी ठीक हो, बिजली ठीक हो, दूसरा पशुपालन, गाय भैंस अच्छा दूध दें, अच्छा दूध देने वाली गाय हो, अच्छा दूध देने वाली भैंस हो, और गाय भी देसी हो तो सबसे बढ़िया। ब्राजील में हिंदुस्तान की राठी, साहिवाल, काकरोच, अलग अलग प्रकार की नस्ल की गाय 40 से 60 किलो दूध देवे, कितनों 40 से 60 किलो एक गाय देवे, उसकी एक व्यवस्था है। जैसे आदमी की अच्छी नस्ल बनानी हो तो उसके संस्कार करने पड़ते हैं, उसको स्वस्थ रखना पड़ता है, नहीं तो उसमें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी, शुगर की, कैंसर की, हार्ट की और दूसरी बीमारी हो जाएगी, उसके जीन्स में आती है, और माता पिता के जीन्स से आगे का कुलवंश चलता है। ऐसे ही अच्छी दूध देने वाली गाय तब होती है जब अच्छा सांड होता है, माने नंदी से चलता है गोवंश। मैं तो कहता हूं जितनी गौशाला उससे ज्यादा हिंदुस्तान में नंदीशालाएं होनी चाहिए, और मेरी जिंदगी का सपना है इसमें 20 25 50 साल लग सकते हैं, हिंदुस्तान में भी हम 40 से 60 किलो दूध देने वाले गाय लेकर के आए, तैयार करेंगे उसे, एक तरफ दूध की घी की नदियां बहेंगी और किसान के जीवन में समृद्धि आएगी। जितनी आमदनी उसको खेती से होती है उतनी आमदनी, उससे ज्यादा आमदनी उसको पशुपालन से होनी चाहिए। तीसरी पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष, ये एग्रीकल्चर में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका उपयोग करना चाहिए। पूरी दुनिया भूखी मर रही है, 300 करोड़ लोग पूरी दुनिया के, उनको ठीक से भोजन नहीं मिलता है, हिंदुस्तान पूरी दुनिया को खाना खिला सकता है, इतनी ताकत है हिंदुस्तान। ये तो गांव की एक बड़ी अर्थव्यवस्था की मैंने बात की। दूसरी बात, भाई गांव में बर्बादी क्यों हो रही है, गांव में लोगों के पास में पैसे की कमी क्यों, गांव का पैसा जा कहां रहा है, इसके बारे में छोटी छोटी दो तीन बात सुनो। जब हम बीड़ी पीते हैं तो पैसा घर में आवे कि पैसों घर को बाहर जावे, बोलो बाहर जावे, यही बात सही है ना। तो बीड़ी पीने से अपना घर का पैसा किसके पास जावे, दुकानदार, दुकानदार से फिर जो होलसेलर, उसके पास तो जो बीड़ी बनाने वाला है, सिगरेट बनाने वाला है, दारू बनाने वाला उसके पास। तो गांव में गरीबी क्यों है, गांव का पैसा जा कहां रहा है, गांव का पैसा जा रहा है बीड़ी बनाने वालों के पास,
सिगरेट बनाने वालों के पास, दारू बनाने वालों के पास। तो आज बोलनी नहीं, 400 गांव के लोग बुला रखे, एक संकल्प ले लो भाई, अपन नयो बीड़ी सिगरेट दारू नहीं पीनी। पर आज साइंस में धुआं के सिवा और निकलो के घनायू के बाबा जब तक बीड़ी ना पीला तब तक प्रेशर को ना बढ़ाए। अच्छा बताओ, प्रेशर तो तब बना जब बीड़ी ऊपर से पी और धुआं नीचे से निकले। भाई बीड़ी ऊपर से पी और धुआं भी ऊपर से ही निकले तो नीचे प्रेशर क्यों कर बन जाएगा? पानी पियो तो बात समझ में आओ, पानी ऊपर से पियो तो कुछ पेशाब के रास्ते से निकलेगा, कुछ टट्टी के रास्ते से निकलेगा। तो पानी पीने से तो प्रेशर बढ़ा, यो बीड़ी पीने तो कौन सो प्रेशर बढ़ा, यो कौन सी साइंस डेवलप कर ली भाई? तो भाई अच्छा गाय भैंस 5 किलो को गोबर करा कोई बीड़ी पी कहता रहे, गलत फहमी छोड़ दो कि बीड़ी पीने से प्रेशर बढ़ता है, यो गलत आदत पड़ गई, गंदी आदत, इससे हार्ट में बहुत बड़ी बीमारी हुआ। आजकल गांव के लोगों को हार्ट अटैक होने लग गया, फिर टीबी की बीमारी होगी, कैंसर की बीमारी, 60 लाख लोगों की मौत बीड़ी सिगरेट से कैंसर होकर के हो रही है। देखो बात भाई, कोई बीड़ी तो हमारी दुश्मनी थोड़ी है, सिगरेट तो हमारे सिगरेट ने हमारो की बिगाड़ रखो भाई, बात यह है। और बीड़ी देखो सिगरेट शराब क्यों नहीं पीना, इसकी थोड़ी बात आपको समझाई। एक तो भाई आप बुरे नहीं हो, आप तो आत्मा सो, क्या बोले गांव में, जोर से बोलो आत्मा सो। तो भाई आप तो परमात्मा का स्वरूप सो, यही बात सच्ची है भाई। ये बीड़ी सिगरेट दारू अच्छी नहीं, और भाई अपना ये जो शरीर है ना, भगवान का मंदिर है। अच्छा बताओ, कोई भगवान का मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई भी भगवान के घर में, मंदिर में, गुरुद्वारा में, गिरजाघर में, कहीं पर भी मस्जिद में कोई बीड़ी सिगरेट शराब चढ़ावे, बोलो? तो भाई अपना शरीर ही मंदिर है, यही गुरुद्वारा है, यही मंदिर है, यही मस्जिद है भाई, अपना शरीर ये भगवान का मंदिर है। ये शरीर किसका मंदिर है, बोलो जोर से, बोलो भगवान का मंदिर है। तो भाई इसमें यो गंदी चीज मत जानी, आदत पड़ जावे। ये अब आदत कैसी हो, जो काम बार बार करो उसकी आदत पड़ जाए, आदत अच्छी डालो। सुबह जल्दी उठ के योगा अभ्यास करने की, कसरत करने की, जो जवान है दौड़ लगाने की, कुश्ती करने की, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, और दिन भर काम करने की आदत डालो, ये दो आदत डाल लो। सुबह जल्दी उठ के भगवान का राम का नाम ले लो, थोड़ा योगा अभ्यास कर लो, दौड़ लगा लो, जिसके जैसी राजी हो जिससे। देखो सुबह जल्दी उठ करके यदि आप कसरत कर लेते हो, व्यायाम कर लेते हो, तो आज ये घनी बीमारी हो रही है देश में, 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की दवा में बर्बादी हो रही है बीमारियों में, 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बीड़ी सिगरेट शराब पी जा रहे हैं पूरे देश के लोग, इतनी ज्यादा बर्बादी हो रही है। ये तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट का भी ज्यादा हो गया, 15 लाख करोड़ का स्टेट और सेंट्रल सब गवर्नमेंटों का लगा करके टैक्स रेवेन्यू आता है, उससे सारी सरकार चलती है, सारा डेवलपमेंट होता है, और उससे ज्यादा हम दवा और दारू में बर्बादी करते। तो ये दो काम तो ये छोड़ दो, इससे गांव का पैसा कहां जाता है, शहरों में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, बीड़ी सिगरेट शराब बनाने वालों के पास, वो पैसा वहां जाने से रुक जाएगा तो थारे घर में खुशहाली आ जाएगी। एक आदमी रोज की यदि 50 से 100 रुपए के भी कोई नशा पत्ती करता है तो 50 साल में उसका कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा पैसा बर्बाद हो जाता, मैंने पूरा हिसाब किताब लगा के देखा, 50 साल में कितना कम से कम, अरे जोड़ते तो बोलो 1 करोड़, अरे बीड़ी सिगरेट छोड़ते 1 करोड़पति तो ऐसे हो जाओगे, ये सच्ची बात बताइए। तो दूसरी बात, अपन जब आपस में झगड़ा करें तो क्या करना पड़े, पहले तो पुलिस वाला जिसके डंडे मरवाने हो उससे पैसे ले, जिसके मारने हो उससे कि कम मारूंगा भाई, यो झगड़ा करके पुलिस वालों के पास थारा पैसा जावे, हो सका है यहां वाले पुलिस वाले अच्छे होंगे,
लेकिन भाई थारा पैसा इन पुलिस वालों के पास नहीं जाना चाहिए, ये दोनों तो पैसा ले, जो रिपोर्ट लिखवाने जावा उससे भी ले लिखने के, और जिसकी लिखी जावा उससे कहे तेरे दो डंडे मारेंगे, पहले पैसे दे दे नहीं तो भाई झगड़ा करोगा तो पैसा जाऊंगा पुलिस वालों के पास, फिर आगे जाऊंगा वकील के पास कोर्ट कचहरी में। तो बोले झगड़े होने चाहिए क्या? पहले झगड़े नहीं हुआ करते थे, जिस गांव में मैं पैदा हुआ वो भी पड़ोस में ही है थे। मैं देखो ये शरीर पैदा हो गया वो हरियाणा के एक बॉर्डर के गांव में, और भाई मां मारी अठाई की थारे पड़ोस के गांव के अलवर की, तुम्हारे भीतर भी खून थारे यहीं को है। और मैं तो जब इन माताओं ने देखो हमारी मां भी यही घाघर और यही ऊपर को के पेटी कोट के बोला है और ऊपर था लुगड़ी, तो यो ड्रेस अलवर जिला की स्पेशल है पूरी दुनिया में, कोई दूर तक देखते ही ड्रेस कोड से पता लग जाए कि अलवर की बीरबानी है, नारनौल की अलवर की जो दो इलाकों है ना ठाकुर की स्पेशल ड्रेस है। आदमी को तो बेरोनी पट्टा यो तो पता नहीं क्यों कोई जींस पहन ले कोई कुर्ता धोती एक जैसी है, इनकी स्पेशल ड्रेस है। तो भाई सुनो, हम सबका खून तो एक ही है और वो खून है ऋषियों का, वो खून है भगवान राम कृष्ण का, वो खून है देवताओं का, हम सब भगवान की संतान है, अमृत पुत्र है, अमृतस्य पुत्रा। अपने भीतर ये गौरव हमेशा रखो। और भाई जो जिसकी औलाद होता है ना वो अपने कुल खानदान का यश बढ़ाता है। भाई एस के गुप्ता, एस के तिजारा वाला जी, ये सारे आज राज्य हो रहे कि भाई हमने अपने बड़ों की याद में सारे गांव के लोगों को इकट्ठा किया, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। और भाई जो भी गांव में अच्छा काम करना चाहोगा वो उसमें जो हम अच्छा कर सकते हैं हम भी थारे गांव के लिए अच्छा करेंगे। भाई हम तो अच्छा है फला करने के लिए पैदा हुए और काम बहुत अच्छा करना है आगे भी, इस गांव को सबको भी, सारे गांव को, सारे देश को, 6,38,365 गांव को अच्छा बनाना, पूरे हिंदुस्तान को अच्छा बनाना। युगों युगों से ये हिंदुस्तान बहुत अच्छा ही था। तो मैं बात कर रहा था गांव की बर्बादी किसमें होती है, झगड़े में। किसमें बर्बादी हो बोलो भाई? झगड़ा रगड़ा बंद कर। और खेती में पहले हम गोबर से गोमूत्र से इससे खेती किया करते थे, आजकल क्या हो गया, यूरिया डीएपी दे दनादन धरती माता में जहर भर दिया। सुनो, एक ग्राम मिट्टी में जितनी चोटी में मिट्टी आवे ना, चोटी में जितनी मिट्टी आवे इसमें कम से कम 3 करोड़ सूक्ष्म जीव होते हैं। कितने? जोर से बोलो कितना। जब यूरिया डीएपी डालो तो वो सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, उससे धरती उपजाऊ होती है। अब इसको पूरा करने के लिए आपको थोड़ी ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी। हमारे मन में एक गलत खराब भी आ गई कि जब तक यूरिया और डीएपी नहीं डालेंगे तब तक जमीन में से अनाज पैदा नहीं होगा। 50 साल पहले यूरिया डीएपी को दाना भी नहीं तो क्या धरती में से अनाज पैदा नहीं होता था? बावड़े हो रखे। ये कुछ बीमारी पिछले 50-100 सालों में आ गई, 50 सालों की ज्यादा बड़ी बीमारी, इनसे गांव को बचाना। ये तो बात हुई दो चार कि गांव का पैसा जहां कहां रहा है, यूरिया बनाने वालों के पास, डीएपी बनाने वालों का, बीड़ी सिगरेट बनाने वालों के पास, दारू बनाने वालों के पास, गांव खाली हो रहा है और हम अपने हाथों से बर्बादी कर रहे हैं। दूसरी बात भाई, अपने आप को छोटा मत मानो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला हम हैं ईश्वर की संतान, भगवान की संतान, रामकृष्ण के वंश, ऋषियों के वंश, और आज हम अलग अलग रूपों में दिख रहे हैं। यहां कोई अपने आप को बोल रहा है हिंदू, कोई बोल रहा है मुसलमान, कोई बोल रहा है सिख, कोई और, फिर अलग अलग जातियां बना ली हमने। एक बात गौर से सुनो, 100-200 साल पहले जाकर के देखो, हमारे जितने भी आस पड़ोस के आमेव हैं जो मुसलमान आई हैं, ये सारे के सारे हिंदू थे। 5-10 पीढ़ी पहले का अपना पुरखों का नाम निकाल के देख लेना, मारे और थारे नाम में कोई अंतर नहीं मिलेगा, ये एकदम सच्ची बात बता रहा। गोत्र एक थे, रीति रिवाज एक थे, संस्कृति एक थी, धर्म एक था और हमारे पुरखे एक थे, बड़े बुजुर्ग एक ही थे। ये भाव जब तक नहीं आएगा तब तो कोई लड़ते रहेंगे। आज देश को बांटने की बहुत कोशिशें की जा रही है।
देश के बारे में बड़ा सोचना पड़ेगा। और भाई हिंदुस्तान में समय समय पर बड़ा परिवर्तन होता रहा है। अपने जीवन को तो हम खुद अच्छा बनाएंगे और सब मिलकर के अपने देश को अच्छा बनाएंगे, यह भी संकल्प लेकर के जाए। जीवन अच्छा बनेगा धर्म से, सदाचार से, पुरुषार्थ से, मेहनत से, प्यार से, भाईचारे से, मिलजुल के रहने से। अच्छा इंसान सबको खुद बनना और मिलकर के अच्छा हिंदुस्तान सबको बनाना है। अब देश में बहुत तरह की चर्चा चल रही है, भाई देश ने कौन संभालेगा? भाई गांव में एक मुखिया अच्छा रहे तो सारा गांव अच्छा रहता है। देश का मुखिया ऐसा बनाओ जो देश की समझ रहे। अब देश में एक बड़ी और हो रही है, पता नहीं भाई ये भी नेता वो भी नेता, 100 आदमियों के तो प्रधानमंत्री बनने के लिए लाइन लाग रही है, जैसे कोई चाट पकौड़ा खाने की दुकान हो। वो जिसके जी में आ रहा वो ही कहा, वो मुंह उठा के कहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। हाँ बनाऊंगा था ना प्रधानमंत्री। भाई ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये देश 33 लाख वर्ग किलोमीटर का है। ये देश तो बहुत बड़ा था, रोम और मिश्र, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश, बर्मा देश, त्रिविष्टुप, तिब्बत से लेकर के जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और कंबोडिया तक, ये इतना अखंड भारत था। आधी दुनिया एक तरफ और आधे में था हिंदुस्तान, वैसे ही अखंड भारत अपने को दोबारा से बनाना है। अपना देश को कमजोर नहीं था, लेकिन कुछ कमजोर लोगों ने देश को तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए इसके। अब इस देश को दोबारा से अखंड भारत, ये वापस अपना भारत अपनी उसी ऊर्जा के साथ खड़ा होगा। इसके लिए चाहिए कोई एक ऐसा नेता जो इस देश को समझता हो, देश के गौरवशाली अतीत को समझता हो, देश में वर्तमान में लोगों की पीड़ाओं को समझता हो, उनको उनकी बेबसी लाचारी को समझता हो और इसी देश में खुशहाली ला सकता हो। देश में कमी नहीं है किसी चीज की। मैं कह रहा था इतने टूटने टूटने के बाद, खंड खंड होने के बाद भी आज 33 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत है, इसमें 20,000 प्रकार की तो भू संपदाएं हैं। टमाटे खोद दो पानी जमीन में तो क्या निकला, भट्ठा या पानी निकले, बस ये दो ही चीज तो निकले ना। मैंने बेरा पाटा की हाँ आस पड़ोस में सोना भी निकला है। एक दिन यो तिजारा वाला वो राजी हो रहा बोला मारे गांव में मारी जमीन में सोनो निकल गयो। ये तो अब इधर भी थोड़ा पता लगने लग गया, नहीं तो पहले लोगों ने बस वो एक वो खेतरी में एक वो तांबा की थी वो फैक्ट्री, वो भी बर्बाद कर दी राजनीति ने। नहीं तो थोड़ा बहुत हमने तो देखा, मैंने सारा हिंदुस्तान घूम फिर के हंट के देखा। एक मेरे तो बोले बाबा ये योग वाला काम इतना बढ़िया, लोगों की को बढ़िया धर्म की योग अध्यात्म की शिक्षा दे रहे थे, ये पंगा क्यों ले लिया? मैंने कहा भाई ये पंगा यूं हो गया, मैंने सारा देश देखा और सारा देश देख करके देखा कि ये तो बहुत महान देश है, बहुत धनवान देश है। नीचे धरती में 20,000 प्रकार की तो भू संपदाएं हैं, कितने प्रकार की, और उसमें सोना चांदी हीरा मोती सब सब भरा पड़ा है। 20,000 लाख करोड़ का तो खाली लोहा सोना चांदी कोयला ये गैस पेट्रोल डीजल, कितना कितनी बोल दी रकम तो याद रखो, 20,000 लाख कितनी हो दे रहा है वो बोल दिया, कंप्यूटर फेल हो जाए वो तो पता लगे इतना। और इसने लूट 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 के जाल जंगल जमीन पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर दिया। इतना तो खाली नीचे दबा पड़ा है धन, बाकी ऊपर इतना सामर्थ्य इस देश में, जनशक्ति, धन शक्ति, युवा शक्ति, धर्म की शक्ति, प्रकृति की शक्ति, जड़ी बूटियों की शक्ति, चारों तरफ देश को देखता हूं तो बस एक ही बात कहूं कि मैंने वो देश देखा और मैंने देखा रहे तो देश तो धन धान्य से भरा पड़ा है इस, और इसने लूट लिया। तो मैंने जब ये देश देखा कि बहुत धनवान है और इसको लूट रहे हैं लोग, तो मैंने रुक्का पाट दिया कि भाई देश तो बहुत अच्छा है, इसने कुछ लोगों ने लूट लिया, उनको सबको सत्ताओं से हटा दो, हिंदुस्तान फिर से दुनिया की सबसे महान ताकत के रूप में खड़ा है। भाई मोदी के साथ मारी कोई रिश्तेदारी छोड़ी ना, उसका ब्याह हो रखा ना बाबा का हो रखा ना, यहां कोई रिश्तेदारी वाला प्रश्न नहीं है। बात यह है कि वो आदमी अच्छा है, देश को लूट नहीं सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई 125 करोड़ लोगों की जिंदगी में भी खुशहाली ला सकता है तो एक भला आदमी है। और वो सबके बारे में भला सोचता है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। बड़े लोगों ने उल्टी पट्टी पढ़ो दो, पता नहीं मोदी आ जाएगा तो क्या कर देगा। आज एक बात और, जाते जाते सुबह जल्दी उठना है कि नहीं बोलो,
और उठ करके क्या करना है, योग करो, कसरत करो, व्यायाम करो, और सुबह जल्दी उठ गया उसका भाग्य जाग जाता है, और जो सुबह जल्दी सोता रहता है उसका भाग्य। तो चलो मेरे साथ दो शब्द बोलेंगे प्रार्थना के और उसके बाद प्रस्थान करेंगे। जब खड़े हो गए तो सारे खड़े हो जाओ, और फिर खड़े होके बाबा ने जाने दियो। हाँ, कभी आते समय तो स्वागत करो और जाते समय धक्का मार के भेजो, यो काम मत करियो, ठीक है। दो शब्द बोलेंगे, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता हूं, मेरे दाता के दरबार में सब बोलो, ओ जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी वैसा ही फल पाता हूं, मेरे दाता के दरबार में, मेरे दाता के दरबार में। ओ बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, हो बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा, ओ इसीलिए वह दुनिया का है, इसीलिए वो दुनिया जगतपति कहलाता हूँ, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में। ओ क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी। ओ अंतर्यामी अंदर बैठा अंतर्यामी, सबका हिसाब लगाता हूँ, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दर। बोलो भारत माता की। गणेशीलाल गुप्ता जी ने ऐसा सुंदर परिवार, ऐसे सुंदर संस्कार अपने बच्चों को दिए, और वो आज धर्म के रास्ते पर, सेवा के रास्ते पर चल रहे हैं, अपने कुलवंश का, अपने बोलनी गांव का, इस इलाके का गौरव बढ़ा रहे। एक बार पूरे इस परिवार के लिए भी सबके ओर से बहुत बहुत बधाई गणेशीलाल गुप्ता जी के परिवार के लिए, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे झाड़ू पड़ेगो तो सब ने राम राम भाई।